सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर एंड वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉगर नुपुर। तो आज जो है 21 जून है और अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। और हाँ, मैंने काफ़ी टाइम से भी व्लॉग नहीं किया था, नहीं डाला, क्योंकि थोड़ा सा काम भी था और हम बिज़ी भी थे और फ़ोन भी खाली नहीं रहता था, इस वजह से हम नहीं बना पाए। तो खैर कोई नहीं। और आज सुबह का वेदर इतना अच्छा है, मतलब सुबह से बादल बादल हैं, बिल्कुल धूप नहीं है, तो अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा फील आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए आज का वेदर, मतलब पूरा आसमान में बादल बादल है, धूप निकलने के पता नहीं आसार हैं कि नहीं है, पर अच्छा है जो भी मौसम है। तो यहाँ पे सुबह हो नहीं पाई है कि हमारे भैया का टीवी देखना चालू हो चुका है। लेटे हैं महाराज जी, क्या देख रहे हैं टीवी में? मैजिकल स्टोरीज चल रही हैं, वो कार्टून मूवी आती है जीव जीत सी कहानियाँ वाली। और चलते किचन में दिखाते हैं आपको मम्मी क्या कर रही हैं। दाल अभी से ही चढ़ा दे रही हूँ। तो खैर मम्मी ने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली है, चाय हमारी बन चुकी है, फ्राई पैन खाली रखा है और आलू भी बन चुके हैं। और देखते क्या बन रहा है, कढ़ाई चढ़ गया तो उसका मतलब पूड़ी बनेगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं इस टाइम अपनी अम्मा के कमरे में और देखते हैं मेरी बहन क्या कर रही है। तो हम पहुँच गए अम्मा कमरे में, अम्मा तो अपने भजन सुन रही हैं। और ये देखो, मतलब सोने में इतनी मदहोश है कि नहीं होश सो रही अभी भी। 8 बजने वाले। तो फ्रेंड्स अभी हमने दिखाया था कि मेरी मम्मी पूड़ी और आलू बना रही है, तो बन चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। और हमारे अभी भी टीवी चल रही है, वही कहानियाँ देखी जा रही हैं। भैया कैसा लग रहा है? तो किस किस को ब्रेकफास्ट में पूड़ी और आलू खाना पसंद है चाय के साथ? झूठे कह रहा हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर बाद में नाश्ता करने के बाद। सो फ्रेंड्स इस टाइम जो है वो दोपहर का 1:30 बज रहा है और हमारे अभी चाची आई हुई है, तो उनका सारा सामान फैला हुआ है। तो अभी हम खैर जा रहे हैं कपड़े उतारने दोपहर के पड़े हुए। और आज धूप जो है, मतलब ऐसी मौसम में आ रही है जा रही है, तो कपड़े जो सूख ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, सारे कपड़े पड़े हैं। तो कपड़े जो हैं हमारे आधे सूखे नहीं हैं, देखो सब गीले हैं अभी। तो इधर दीवार पे डाल रखा है कि धूप लगे, क्योंकि आज सुबह से ही मौसम अजीब सा हो रहा है, मतलब बादल हैं, धूप भी है, तो कुछ भी कपड़े नहीं सूख रहे हैं। फ्रेंड्स इस टाइम जो है वो 4:15 हो रहा है शाम का और अब हम जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो दिखाते हैं आपको रोड की जर्नी, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस पे है, क्योंकि हमने अब घर शिफ्ट कर लिया है तो डिस्टेंस भी होगा। तो आज हम जाएंगे ऑटो से। तो हमेशा आपने मेरी बाइक पे देखा होगा कि पापा साथ हम बाइक पे हमेशा जा रहे हैं, रोड जो रोड जर्नी दिखाते हैं हमेशा बाइक पे दिखाते हैं, पर इस बार हम दिखाएंगे ऑटो से। तो चलिए दिखाते हैं फिर। तो फ्रेंड्स अभी जो है धूप बहुत तेज है रोड पे, तो मतलब आँखें नहीं खुल रही हैं, लेकिन जाना है, क्या करें, चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम रोड पे आ चुके हैं और आपने मेरी याली रोड जो है व्लॉग में काफ़ी बार देखा भी होगा। तो पीछे घंटाघर वाली रोड है, अभी तक मुझे ई रिक्शा नहीं मिल रहा है यार, तो इंतज़ार करें, देख रहे हैं पीछे से आ जाए ई रिक्शा। उस साइड वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, बट जिस साइड पे हम जा रहे हैं उस साइड से दिख ही नहीं रहे कोई भी रिक्शा, एक आ रहा है, तो दिखाते हैं अभी। सो फ्रेंड्स हमको जो है ये रिक्शा मिल चुका है, तो ये धूप बहुत है, चलना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, वरना तो पैदल भी जा सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग मंडी वाली रोड पे चल रहे हैं। जिसका आपने व्लॉग नहीं देखा है तो देखो, मैंने उसका पूरा व्लॉग बनाया है। और ये वही स्कूल है जहाँ आपने मेरी पहले वाली वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखे तो जाके फटाफट देखो। सो फ्रेंड्स, हम जो है पटाखे आ चुके थे और पापा हमको लेने आए थे। तो अभी जो है हम खड़े हैं खिरनी बाग वाली रोड पे, कालीबाड़ी खिरनी बाग वाली रोड पे। तो इधर पीछे जो है कालीबाड़ी मंदिर है और इधर पीछे जो है सदर मार्केट जाती है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे पूरी रोड और हमको कुछ मार्केट सामान भी लेना है। तो अभी हम लोग यहाँ खड़े थे कृष्णा मार्ट, कृष्णा पेपर मार्ट में। तो यहाँ पापा कुछ काम था और सीधे रोड जा रही है सदर मार्केट, और इधर वाली रोड जो जाती है वो है कालीबाड़ी वाली मंदिर, मतलब सीधे सीधे मेला मैदान वाली रोड जाती है, रामलीला मैदान वाली रोड है। फ्रेंड्स, इस टाइम जो है वो रात के 9 बज रहा है और अब हम जा रहे हैं डिनर करने। तो देखते हैं डिनर में मम्मी ने क्या बनाया है। और इस टाइम बहुत थके हुए हैं, मेरी आंखें आप देख सकते हो सोई सोई सी लग रही हैं। तो बस डिनर करेंगे, सो जाएंगे फटाफट। तो चलिए सबसे पहले डिनर करते हैं। हमारे आज डिनर में रोटी, बैंगन की सब्जी और ये नींबू है। तो खाते हैं फिर हम बाद में मिलेंगे आपसे। फ्रेंड्स, इस टाइम जो है मेरा भाई जो है चुप्पे चुप्पे आम खा रहा है। तो दिखाते हैं अभी आपको। वाह बेटे वाह, अकेले 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 अकेले। ये देखो दोस्तों, गाइस आप भी खा लीजिए, ये आम खाए जा रहे हैं यहाँ पे, वो भी पूरे घर छोड़ के। इनको ये हमारी बालकनी मिली है खाने के लिए, बड़े मीठे आम हैं। हाँ आम मीठे ही होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस टाइम जो है हमारे यहाँ डिनर हो चुका है और 9:30 बज रहा है। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक। और मुझे पहली बार देख रहे हो यूट्यूब पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से लाइक करो वीडियो को, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। उस पर मैं अपने डांस की वीडियोज़ और सॉन्ग वीडियोज़ डालती रहती हूँ। तो बस यही कहेंगे हम, और ढेर सारा प्यार करिए, ढेर सारा सपोर्ट करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आम भी खाते रहिए और ढेर सारा अच्छा अच्छा बोलिए, कमेंट में बताइएगा, मीठी मीठी कमेंट्स करिएगा आम की तरह।